1912 में टाइटैनिक का वो दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका जिक्र 14 साल पहले ही कर दिया हो। दोस्तों 1898 में एक स्टोरी बुक लिखी गई द रैक ऑफ द टाइटन, जिसमें शिप का नाम टाइटन था। इस बुक में शिप का साइज, कंपार्टमेंट्स, लाइफ बोट, इन सब की काउंटिंग उतनी थी जितनी टाइटैनिक की एक्चुअल शिप में थी। पर इस बुक में अजीब बात यह थी कि इस बुक का शिप भी करेक्ट 1912 में आइसबर्ग के वजह से अटलांटिक ओशियन में ही डूबा था। इसी स्टोरी बुक की एक दो बातें सच हो सकती हैं, पर पूरी की पूरी बुक सच साबित होना, हाउ इज इट पॉसिबल। इस बुक को लिखने वाला वो था जिसे राइटिंग वर्ल्ड में कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था, बट इसके बाद वो सुर्खियों में आ गया। इस राइटर का नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन। इनकी एक और बुक रहस्य बन के सामने आई जब इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान का जिक्र अपने बुक बियॉन्ड द स्पेक्ट्रम में किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।